फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राशिज पैशन ऑफ कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ स्वीट पोटैटो का स्वीट। इसको ब्राउन कलर होते हैं, इसको हम बंगाली में बोलते हैं पांतुआ। सो वही मैं आज बनाने वाली हूँ। तो मैंने स्वीट पोटैटो को मैंने बॉईल कर लिया है। यहाँ पे 300 ग्राम स्वीट पोटैटो है। अभी मैं इसको थोड़ा सा स्मैश कर लूँगी, फिर मैं इस पर यूज़ करूँगी। ये है चावल का आटा, राइस फ्लोर, ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। ये है मैदा, ये मैंने 1 टेबलस्पून ली है। थोड़ा सा मिल्क, वो जितना चाहिए उसके हिसाब से यूज करना है। और गुड़, ये मैं अभी इसको ऐसे स्मैश कर लेना है, फिर मैं इस पे एक एक करके सब ऐड कर दूंगी। पहले मैं ये राइस फ्लोर ऐड कर रही हूँ, उसके साथ ऐड करूंगी मैदा और थोड़ा सा मिल्क। पहले को सब एक साथ पहले अच्छे से आपको मिक्सिंग करना है, एक डो के जैसे बनानी है। फिर मैं उस पर गुड़ ऐड करूंगी। बेटर होगा गुड़ को अगर आप पहले से थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए। ये मेरा ऑलरेडी मेल्टेड वाला ही है, इसलिए मुझे ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है बाद में उसको मेल्ट करने में। ये एक टाइट डो बनाने हैं। देखिए, मैं ऑलरेडी इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से। अभी मैं इस पर ऐड कर रही हूँ गुड़। गुड़ आप आपके स्वाद के अनुसार यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको शुगर से भी बना सकते हैं। अभी मैं फिर से इसको गुड़ में इसके साथ मिक्स करूंगी, लेकिन ये एक टाइट डो बनेगी, तभी जाके हम इसका बॉल्स या शेप दे पाएंगे। डो रेडी हो गए हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ, हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं एक पोर्शन ले लूंगी यहाँ से, छोटा सा ऐसे लेके। इसको आपको पहले कटोरी के जैसे बनानी है, फिर इस पे आपको कोकोनट की फिलिंग करनी है। कोकोनट का फिलिंग मैंने कैसे बनाई थी, वो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बताई है। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी लिंक, कि मैंने ये कोकोनट फिलिंग कैसे बनाई है। फिर उसको आपको ऐसे करके इसको ज्वाइन करके इसको आपको शेप देना है। आप कोई भी शेप पे बना सकते हैं। तो बेसिकली बंगाल के पांतुआ ऐसे ही शेप के होते हैं, तो मैं इसलिए ऐसे ही शेप दे रही हूँ इसका। ऐसे करके शेप देते हैं। और मैंने प्लेट चेंज कर लिया ऑलरेडी, क्योंकि वो मुझे छोटी पड़ रही थी। और यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ बता देती हूँ, स्वीट पोटैटो में मिल्क ऑप्शनल है। अगर आपको लगे कि हाँ देना है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, तभी यूज़ कीजिए मिल्क, नहीं तो आप नहीं भी दे सकते। कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, ऑयल ऑलरेडी गर्म हो गई है। अभी मैं इस पे ये जो मैंने बना के रखी थी, ये अभी मैं इस पे ऐसे करके डाल रही हूँ। इसको मीडियम फ्लेम में आपको फ्राई करना है, एंड बी केयरफुल कि ये जल ना जाए। ये दोनों साइड देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है ब्राउन कलर। मैं इसको मीडियम फ्लेम में 5-6 मिनट फ्राई किया है। अभी मैं इसको निकाल के डायरेक्ट शीरा में डाल दूंगी। इसको शीरा में ज्यादा देर तक भिगोने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डिप करके 1 मिनट के बाद ही अब निकाल लीजिए। शीरा का रेसिपी भी मैंने शेयर किया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एक बार लिंक शेयर कर दूंगी, आप उधर से देख लीजिए। ऐसे करके आपको इसको डाल देना है शीरा में। रांगा आलू पांतुआ स्वीट पोटैटो की जामुन तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद लगे, ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।